छत्तीसगढ़ में चर्च पर हुआ हमला, कई पुलिस वाले घायल। शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे प्रदर्शन ने उग्र रूप लेकर अचानक चर्च पर किया अटैक, जिसमें वहां के एसपी भी घायल हुए। महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। नारायणपुर छत्तीसगढ़ के डीएम अजीत वासन ने कहा, नारायणपुर के एसपी पर किसी ने पीछे से हमला किया जिसमें उनके सिर में गहरी चोट आई, इलाज के बाद वो अभी ठीक है। एसपी सदानंद कुमार ने कहा कि उनके कुछ और भी पुलिस वाले घायल हुए हैं, जो भी हो दोषियों को सजा दी जाएगी। लोग सहमे हुए हैं। सिस्टर ज्योति ने भी की दुआ करने की अपील। डियर सिस्टर जनरल एंड ऑल आर डियर सिस्टर्स ऑफ एस माय फैमिली, प्लीज प्रे फॉर आवर मिशन इन नारायणपुर। जस्ट नाउ द आरएसएस ग्रुप हैव डिस्ट्रॉयड द एंटायर पैरिश चर्च ऑफ नारायणपुर and they have captured this SABS convent and the premises also. Now just now Sister Vandana called up and told me that they have come to hospital, our place Narayanpur Mission, and what they are going to do we do not know. So please pray dear sisters. जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। और तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर कोशिश कर रहे थे, तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद जो निकल गए और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया जिसमें चोटिल हो गया, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधिपूर्वक इस पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई।